मैं एक बार आपको याद दिला दूं इस कथा का मुख्य उद्देश्य। भगवान तो है ही है, उनकी कथा तो है ही है, लेकिन इस कथा का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य यह है कि जो आज भारतवर्ष की पवित्र धरा पर, सनातनी परंपरा पर, जिस भारत के घर घर में हमारी गौ माता की सेवा होती थी, आज भारत की उन सड़कों पर, भारत की उन गलियों पर गौ माता भूखी प्यासी इधर उधर भटक रही। अच्छा एक बात बताइए, आपने सड़क पर कभी किसी भेड़, बकरी, ऊंट या भैंस, इनमें से किसी भी मवेशी को, किसी भी पशु को लावारिस सड़क पे घूमता देखा है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। भैंस को कभी लावारिस सड़कों पर देखा है? भेड़, बकरी, ऊंट, ये जितने भी पशु हैं, लेकिन गाय को आपने सड़कों पर लावारिस देखा है? हाँ या नहीं? हाँ। भैंस क्या विश्व की मां है? भेड़ बकरी विश्व की मां है? विश्व की मां कौन है? मुझे नहीं पता, आप बताएंगे कौन है विश्व की मां? गावो विश्वस्य मातरः, विश्व की मां गाय है। जिस गाय को हमने ये दर्जा दिया कि वो हमारी माँ है, वो आज कहाँ घूम रही है? सड़कों पर डंडे खाते हुए, कचड़े के ढेरों पर कचड़ा खाते हुए, प्लास्टिक खाते हुए, इसका जिम्मेदार कौन है? चलिए मान लिया गाय की दुर्दशा है, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है जिसके कारण गाय आज सड़कों पर है? सरकार? हाँ या नहीं? नहीं। चलिए ठीक है, सरकार नहीं है। क्या हिंदू इसका जिम्मेदार है? क्या मुस्लिम जिम्मेदार है? गाय को सड़कों पर लाने का जिम्मेदार सबसे ज्यादा, सबसे पहले मैं खुद हूं। हर वो आदमी है जो भारत की भूमि पर रहता है, हर वो शख्स है, चाहे वो कोई धर्म जाति का हो, हर वो इंसान है जो इस भारत पर जन्म लिया है, हम सब उसके जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी देश की पशु पक्षी धरोहर की रक्षा करना हम इंसानों का दायित्व है, और हम अपने कर्तव्य से पीछे हट गए और गाय आज दर बदर ठोकर खाती हुई घूम रही। मैं प्रार्थना करूं आप सभी भक्तों से, गाय ने क्या नहीं दिया इस संसार को। आज के समय में आप देखो अन्न दोष बढ़ गए, आप जो अनाज खा रहे हैं अनाज नहीं है, हम जो अनाज खाते हैं पूरा जहरीला है, विष से भरा हुआ है, इसमें इतना पेस्टिसाइड डाला जाता है कि पूरा अन्न जहरीला हो चुका है। और दूसरी बात, हम जो भी भोजन कर रहे हैं इस सब में अन्न दोष है। अन्न दोष क्यों है? जब आप गाय अपनी खेती करते हो अनाज की, उसमें कीटाणु की दवाई डालते हो तो उसमें लाखों कीड़े मरते हैं और उसका दोष उस अनाज में आता है, और उस अनाज को जब आप खाते हो तो आपके अंदर भी पाप वृत्ति आती है। आप कहोगे कीड़े मकोड़े तो पहले भी मरते होंगे, मरते थे, लेकिन जब उसमें गाय के गोबर का खाद डाला जाता था तो उस गौ माता की कृपा से उस अन्न का जितना भी दोष होता था वो गाय के गोबर से नष्ट हो जाता था, उसका वो जो पाप था वो नष्ट हो जाता था। इस कारण पहले समय में लोगों की बुद्धि भी, मानसिकता भी पुण्य से भरी हुई थी। और एक आज का समय देख, कदम कदम पर लूट है, चोरी है, अत्याचार है, उसका मुख्य कारण ये है, हमने जो जो भारत की जड़ है उसको काट दिया। आप पेड़ की जड़ को काट दो और फिर उस पेड़ की जड़ को काट के आप पेड़ में पानी क्या गुलाब जल भी डाल दो तो भी वो पेड़ कभी नहीं हरा सकता। भारत क्यों पिछड़ रहा है? क्या नहीं है भारत के पास? क्या भारत में यज्ञ नहीं होते? क्या भारत में भागवत नहीं होती? पूजा पाठ नहीं होती? सब होता है, लेकिन भारत की जो जड़ है गाय, उसको हमने काट दिया। अब कितना भी पुण्य कर लो, लेकिन जब तक गाय नहीं बचेगी तब तक भारत की संस्कृति नहीं बच सकती।
इसलिए प्रार्थना है अपने घरों में, अपने हृदयों में गाय माता को स्थापित करिए, अपने बालकों को शुद्ध गाय माता का, देसी भारतीय नस्ल की गाय का दूध पिलाइए। आप आजकल की मैया जो होती है वो अपने बालकों को भैंसों का दूध पिलाती है, कुछ भैंसों का पिलाती है, कुछ वो जो बाजार में आता है ना मार्केट में डेयरी वाला वो पिलाती है, उसमें पता ही नहीं होता वो भेड़ का है बकरी का किसका है, भगवान जाने। अब आप भैंसों का आपने कभी भी देखा होगा जब भैंस का कोई कोई पड्डा होता है तो उसके सामने जब गाड़ी आती है तो आप कितना भी हॉर्न बजा लो वो वहां से हटेगा नहीं, खुद अनुभव कर लेना। और कोई गाय का नवजात बछड़ा हो, नवजात शिशु हो, उसको सामने जाके उसको पता चलेगा वाहन आ रहा है, छोटा सा वो गाय का बालक ऐसी छलांग मारता है, ऐसा फुर्ती, इतनी ताकत उसके अंदर होती है। अब आप पिलाती हो अपने बच्चों को भैंस का दूध, तो जब वो बच्चा भैंस का बच्चा हॉर्न नहीं सुनता तो अगर आप अपने बच्चों को भैंस का दूध पिलाओगी बाद में आपकी बात सुनेगा नहीं तो फिर बोलना मत, जब उसको हॉर्न नहीं सुनता तो तुम्हारी बात काहे को सुनेगा। फिर वृद्धाश्रम में जाकर के, वृद्धाश्रम खुलेंगे भारत जैसे देश में, फिर वही विदेशी परंपरा आएगी। इसलिए प्रार्थना है आप हम सब मिलकर के इस गौ माता के महत्व को समझें, हमको अपने इस भारत वर्ष में गाय को फिर से स्थापना करना है। मेरी आप सब से एक प्रार्थना है, देखिए ये शादियों का माहौल अभी चल रहा है, अभी पिछली एकादशी से प्रारंभ हो गई हिंदू रीति रिवाज से शादियाँ, और आप जानते हैं कि हम भारतीय लोग शादियों में कितना बढ़ चढ़ के खर्च करते हैं, कितना अधाधुंध पैसा लगाते हैं। चलिए ठीक है, आप जो भी करते हैं, आप शादी में पैसा लगाते हैं, आप रिसेप्शन में पैसा लगाते हैं, अगर इस व्यासपीठ से आपको प्रेम है और आप चाहते हैं कि इस भारतवर्ष में गाय की रक्षा हो, तो जितना पैसा आप अपने बेटे की बेटी की शादी में लगा रहे हो उसका केवल 10% आप किसी गौ माता को चारा खिलाने में, किसी गौ माता की पट्टी बांधने में, किसी गौ माता की इलाज करने में, आप स्वयं जा करके आप जैसे बरातियों के लिए खाना परोसते हैं ऐसे ही आप अपनी शादी में गाय माता के लिए भी एक छोटी सी पार्टी रख दीजिए कि गाय को भी आप कुछ ऐसा खिलाएं और गाय माता कृपा करके आपके बेटे बेटी को इतनी कृपा दे कि उनका पूरा जीवन खुशहाली से भरा। आप जिनको शादियों में मेहमान बन के बुलाते हो ना वो पहले से ऑलरेडी फुल होते हैं, वो केवल दिखाने के लिए आते हैं। अगर सचमुच चाहते हो अपने बच्चों को आशीर्वाद दिलाना तो किसी भूखे आदमी को खिलाओ, किसी गौशाला में जाके गाय माता का भंडारा कर दो, वो कितनी कृपा आपको देगी। सड़कों पर जो कचड़ा खा रही है उस गाय को तुम प्रेम से जाकर के चारा खिला दो, कितनी कृपा आपको प्राप्त होगी। इसलिए ये ठान लीजिए कि जितना हम अपने शादी ब्याह में लगाएंगे, किसी पार्टी में, जन्मदिन में लगाएंगे, उसका केवल 10वां भाग हमें किसी असहाय के लिए या गौ माता के लिए अवश्य लगाना है। गुड़ खिलाइए, दलिया खिलाइए, चारा खिलाइए, लेकिन गौ माता की सेवा करिए, खूब उन पर अपना प्रेम लुटाइए, तभी इस भारत वर्ष में गाय पशु के स्तर से बढ़ के एक माँ के स्तर पर आएगी। क्योंकि देख लो जब से हमने गाय को पशु समझना प्रारंभ किया है तब से इंसान ही पशु जैसा व्यवहार करने लगा, इंसान ही गलत व्यवहार करने लगा। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने गाय माता को छोड़ दिया, गाय माता को भूल गई। हमारी सनातनी परंपरा ने बार बार कहा है अरे भैया गौ माता की रक्षा करिए, क्योंकि एक गाय की रक्षा करने से आपको दुनिया में वाहवाही मिले ये तो पता नहीं, लेकिन अगर किसी
कत्ल खाने जाती हुई गाय को आपने बचा लिया, तो स्वयं श्री ठाकुर जी आपके घर मेहमान बन करके आएंगे, क्योंकि वो हमारे इष्ट हैं और उन इष्ट की भी इष्ट गौ माता, यानी हम लोगों की गौ माता परम इष्ट हूं। इसलिए कहा गया है क्या समय था वो, ठाकुर जी आते थे वृंदावन की भूमि पर, आगे आगे गैया चल रही है, गैया के खुर से उड़ी धूल ठाकुर जी के मस्तक पर, पसीना है ब्रज रज उड़ के लग जाती है, श्वेत बिंदु टपकता है, और श्री ठाकुर जी बिना छत्र बिना किसी नौकर चाकर दास दासी नंगे पांव दौड़े जा रहे। आप मंदिर जाते हो तो चप्पल बाहर उतारते हो कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो आपका भगवान है, इसलिए आप वहां जा रहे हो। ठाकुर जी की भगवान कौन है? भगवान की भगवान है गैया भैया, इसलिए भगवान ने कहा हम गैया चराने जाएंगे तो चप्पल नहीं पहनेंगे। भला कोई अपने भगवान के सामने चप्पल पहनता है? इतना प्रेम श्री ठाकुर जी ने किया है, क्या हमारा दायित्व नहीं बनता कि इस भारत वर्ष में हम दया करके प्रेम से गौ माता की रक्षा करें? जहां संतों और मुनियों के संग में बोले उठा जग सारा, गौ सेवा धर्म हमारा, गौ सेवा धर्म हमारा, गौ सेवा धर्म हमारा, गौ सेवा धर्म हमारा। जहाँ संतों और मुनियों के संग में बोले उठा जग सारा, गौ सेवा धर्म हमारा, गौ सेवा जन्म लेता है तो मिमियाता है, घोड़ा का बच्चा जन्म लेता है तो हिनहिनाता है, वहीं गधे का बच्चा जन्म लेता है तो रेंकता है, कुत्ते का बच्चा जन्म लेता है तो भौंकता है,
वही किसी हथनी का हाथी का बच्चा जन्म लेता है तो चिंघाड़ता है, वही किसी शेरनी का बच्चा जन्म लेता है तो दहाड़ता है, इंसान का बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते ही रोता है, भैंस का बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते ही सोता है, लेकिन गाय का बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या बोलता है? माँ, केवल विश्व में एक गाय है जिसका बालक जन्म लेता ही माँ पुकारता है। इस दुनिया में माँ एक ऐसा शब्द है जिसको आज तक कोई व्याकरण, कोई डिक्शनरी आज तक उसकी परिभाषा व्यक्त नहीं कर सकता, और वो माँ शब्द अगर कोई देने वाली है तो गाय है। जन्म लेते ही माँ पुकारता है, जन्म लेते ही वात्सल्य से गाय भर जाती है, अपने बछड़े को देखती है तो अश्रुधार बहने लगती है, दूध की धार बहने लगती है। ऐसी गौ माता आज जो सर्वस्व अर्पित करने वाली है, तुम उसको कुछ भी खिलाओ लेकिन वो फिर भी तुमको शुद्ध अमृत जैसा दूध देती है, ऐसी गौ माता। इसलिए उन गौ माता की रक्षा करना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। क्या करना है? जो प्रातः काल उठ कर के गौ माता के दर्शन पाए, जय गौ माता, जय गौ माता, जय आवाज में आवाज मिला के कि हम भी आपके साथ हैं, हम भी चाहते हैं कि गौ माता की सेवा। सब ये जो बैठे हैं ना लोकसभाओं में, विधानसभाओं में, इनके कानों तक आवाज जाए, और जो गाय आज मर रही है, कट रही है, उसकी रक्षा हो। जो चाहता है गौ माता की रक्षा के लिए क्या बोलेगा? गौ सेवा धर्म हमारा, गौ सेवा धर्म हमारा, गौ सेवा धर्म हमारा। गौ रक्षा का संकल्प करो और प्रेम जगत में बांटो, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता। सेवा धर्म हमारा।
श्री गौ माता की प्रण लीजिए। हम सब गौव्रती बनेंगे, हम सब गाय के दूध का उपयोग करेंगे। मैं ये नहीं कहती कि भैंस माँ नहीं है तो कम से कम जीव तो है, उसको काटा जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आप अपने स्वास्थ्य के लिए, समाज की वृद्धि के लिए क्यों गौ माता के उस आहार का, गौ माता के दूध का पान क्यों प्रारंभ नहीं करते? आप भैंस को देखते हो, भैंस जहाँ आलस्य से बैठती है ना, वो जहां बैठती है वहीं बैठी बैठी तो मूत्र त्याग देती है, और वहीं फिर अपनी पूंछ से उसी को घुमा घुमा के वहीं नहा धो लेती है, उसी अपने मूत्र। लेकिन आपने कभी किसी गौ माता को बैठ के मूत्र त्यागते नहीं देखा होगा। हाँ, वो अलग विषय, कोई वृद्ध हो गई हो, बीमार हो, हमारे हॉस्पिटल में कितनी गाय जो कभी खड़ी नहीं होती, वो एक अलग अपवाद है। अन्यथा गौ माता इतनी समझदार जीव है। आप अपने घर में ये एक अनुभव करके देखना, आप अपने घर में कोई भी एक गाय आए, आप उसको एक रोटी दीजिएगा, अपने घर के बाहर निकल के उसको रोटी दीजिएगा, ठीक उसी समय उसी जगह दूसरे दिन बिना एड्रेस पूछे गौ माता उसी घर तक पहुंच जाएगी। पहुंचती है कि नहीं? उसको जरूरत नहीं पड़ती, उसको बताना नहीं पड़ता कि रास्ता क्या है। लेकिन आप एक भैंस को देखकर देखो, पूरे शहर में घूम जाएगी पर आपका घर नहीं मिलेगा उसे। और ऐसे कितने लोग हैं जो क्या करते हैं, वो गाय का दूध सुबह सुबह निकालते हैं, फिर उनको छोड़ देते हैं, फिर वो पूरा दिन घूमती है, और पूरा दिन घूम के वफादारी देखो, पूरा दिन कचरा खाएगी, पूरा दिन इधर उधर डंडे खाएगी, लेकिन शाम होते होते दूध के समय, दूध देने के समय अपने मालिक के घर अपने आप वापस लौट के आ जाती। अब बताइए उसको रास्ता कौन बताता? इसलिए भैंस को नहीं छोड़ती, क्योंकि पता है एक बार चली गई तो फिर आने वाली नहीं। लेकिन गाय को मालूम है, ये मेरा मालिक है, इसने मुझे खिलाया है, मेरा ऋण है इसके ऊपर। ऐसी माँ भला दुनिया में कहाँ मिलेगी? इसलिए प्रार्थना है हम सब गौ माता के लिए अपने हृदय में दया करुणा प्रकट करें। हमारी कोशिश है कि इस कथा के माध्यम से हम थोड़े बदलें और इस समाज में हम गौ माता की दशा को पुनः अच्छी प्रकार से दुनिया के सामने रख सकें।